इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस वृद्धि का मामला लगातार तोल पकड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज छात्रों के साथ मीटिंग करने का आश्वासन दिया है और छात्रों को संयम होने के लिए आग्रह किया है। छात्रों ने भी एक स्वर में कहा कि हम गांधीवादी तरीके से इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। छात्रों ने कहा कि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय वार्ता कर पूर्ण फीस वृद्धि वापस ले ताकि आंदोलन समाप्त हो सके। वृद्धि के खिलाफ आमरण अनशन का आज 29वां दिन है और आमरण अनशन स्थल से आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को रक्त पत्र लिखकर फीस वृद्धि वापस कराने का अनुरोध किया है। छात्रों ने कहा कि फीस वृद्धि की वजह से किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। यह लड़ाई गरीब छात्रों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लड़ी जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों ने यह भी कहा है कि फीस वृद्धि में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा एवं पूर्ण रूप से फीस वृद्धि की वापसी करना अनिवार्य होगा। यदि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई तो यह आंदोलन वापस नहीं किया जाएगा। मैं शिक्षा मंत्री कैसे तू? अरे सब पकड़ के दिला दीजिए, ढकरवा दे दीजिए, ढकरवा। योग की है नहीं, 4% वापसी के संदर्भ में। अरे यार इतना सूखा ही है, चल चल कर इधर भैया, बीचो में रख दे भाई, ये और आगे आइए, थोड़ा और आगे कर। देखिए, आज हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल महोदया को और शिक्षा मंत्री को और प्रधानमंत्री को रक्त पत्र लिख के 4% जो फीस वृद्धि की गई है, लोकतांत्रिक निर्णय है, इससे उनको अवगत कराया है और मांग की है कि आप लोग हमारी मांग को गंभीरता समझे, छात्रों की समस्या समझे, क्योंकि गरीब परिवारों से छात्र ताल्लुक रखते हैं, उन लोग प्रभावित होंगे। यहाँ दलित, पिछड़ा, आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले छात्र प्रभावित हो रहा है, उसके हित के लिए, उसके सद्भावना में 4% फीस वृद्धि वापस हो ताकि छात्र भी पढ़ सके, जो गरीब किसान का बेटा है वो भी आईएएस अफसर बन सके, वो भी अधिकारी बन सके इलाहाबाद विश्व। उसकी मांग को लेकर आज हम लोगों ने रक्त पत्र लिखा है, रक्त पत्र लिख के फीस वृद्धि वापसी की मांग की है।